एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, जीते हुए खेलों का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत आपको चाहिए उसकी संख्या ऊपर रहती है, मतलब 24 ऊपर रहेगा क्योंकि 24 उसने जीते हैं, और जीते हुए का प्रतिशत चाहिए। टोटल कितने गेम है वो हमेशा नीचे रहता है, यहां ये 40 है गुणा में 100 करें तो इसकी प्रतिशत आ जाएगी 4 6 24 60%। आप ऐसे निकालें। फिर उसने कहा जीते हुए खेलों का परसेंट आ गया, हारे हुए का चाहिए तो टोटल 100 होता है, उसमें से 60 माइनस कर दीजिए 40 आ जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट हारे हुए का निकालना था तो यहां जो संख्या है 24 उसने जीते हैं, हारे हुए खेल ऊपर रखते फिर उसका आंसर आ जाता, इसमें से इसे माइनस कर देते तो हारे हुए पता चल जाते। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, देखिए पूरा वेतन होता है 100%, 20% की उसको वृद्धि मिल गई, अब उसका वेतन हो गया 120%, उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। 120% आपका 24,000 के बराबर हो गया, 120% 24,000 के बराबर हो गया। ठीक है, उसका पूर्व वेतन कितना था जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, किसका 120% 24,000 है, तो उस केस में क्या होना है, जो ये संख्या आपको पता है इसमें हमेशा 100 की गुणा, और जो दिया है 120 उससे हम करते हैं भाग और हमारा आंसर आता है जो कि है 20,000, ऑप्शन 1। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। देखिए 100% मत होते हैं, उसमें से 57% जीतने वाले को मिले तो 43% हारने वाले को मिले। ये है जीतने वाले को प्राप्त मत, ये है हारने वाले को प्राप्त मत, लेकिन इनसे हार जीत नहीं होती, हार जीत हमेशा इनके अंतर से होती है, तो अंतर कितना हो गया यहां 14%, ये 14% से हार जीत हुई होगी। इस 14% को उसने संख्या में कितना दिया है, वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, चाहे वो इतने से जीते चाहे हारे, इस अंतर के बराबर होता है। तो इसका मतलब 14% किसके बराबर हो गया, 42,000 के। ठीक है, यहां से काट दो तो 3 लाख संख्या बन गई उसकी टोटल, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से ये आएगा 1%, 1% है 3,000 के बराबर। टोटल चाहिए, कुल मत चाहिए, तो उसका 100 गुना होगा, 100 गुने का मतलब क्या हो गया, देखिए 3 0 2 0 5 0 लगा दे पीछे तो बन गया 3 लाख, तो टोटल संख्या 3 लाख की थी। अगर वो हारने वाला पूछता तो हारने के लिए आप 43 की गुना करते ना कि 100 की। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, ऐसे केसेस में आप जो सबसे छोटा है उसको कुछ मान लेंगे, एक संख्या ऐसी जिसका प्रतिशत आप आसानी से निकाल लें। तो मान लेते हैं सी जो यहां सबसे छोटा बताया गया है, तो सी को मान लेते हैं 100। बच्चों उसने कहा ए सी से 50% बड़ा है, 50% का मतलब होता है 1.5 गुना, 25% का मतलब होता है 1.25 गुना, ए का मान कितना हो जाएगा फिर 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 1.5 गुना 150 होता है। अब उसने कहा बी सी से 25% गुना है, 25% बड़ा है, तो बी हो जाएगा इसका 1.25 गुना जो कि होता है 125। अब उसने कहा ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं वृद्धि, देखिए कितना बड़ा है इससे 25, उसको यहां लिखेंगे, बटे में किससे बड़ा है वो लिखते हैं जो कि है 125, और गुणा में 100% वृद्धि आएगी, 25 5 125 20%, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, देखिए टोटल छात्र होंगे उसमें से ग्रुप ए होगा ग्रुप बी होगा, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है और 60% में ग्रुप बी आ जाएंगे, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है, माफ कीजिए अभी यहां ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप बी को शेष का 75% दिया गया है, शेष कितना बचा है हमारे पास 60, उसका 75% दिया गया है, तो 75/100, 25 75, 25 चौके 100, 15 3 45 को ग्रुप बी दिया गया है। ठीक है, अब यहां 45% को ग्रुप बी दिया गया है। अब उसने कहा और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है, अब देखिए यहां कितना परसेंट हो गया, टोटल 85% तो हो चुका है, तो इसका मतलब ग्रुप सी के हिस्से में सिर्फ 15% आएगा, और उसने कहा शेष जो 15% है वो 12 के बराबर है, तो 15% हो गया बच्चों 12 के बराबर, 1% हो गया 12/15,
15 के बराबर। अब जिसका पूछेगा उसकी गुणा कर देंगे, जिस ग्रुप के लिए पूछेगा, टोटल पूछेगा तो 100 से गुणा करेंगे, ए पूछेगा तो 40 से गुणा करेंगे, बी पूछेगा तो 45 से गुणा करेंगे। पूछा क्या है, करने वाले छात्र, अब ग्रुपों के लिए टोटल पूछा है तो इसमें यहां 100 की गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 चौके 80, तो 80 छात्रों ने आवेदन किया है। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन।